दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में कभी न कभी होटल में तो जरूर गए ही होंगे। खाना खाने, दोस्तों या फिर घर वालों के साथ पार्टी करने, ये कभी न कभी आपको होटल्स में रुकना ही पड़ा होगा। साफ सुथरे, शांत व चमकदार, बड़े बड़े कलरफुल दिखने वाले ये होटल्स अपने ग्राहकों को खूब लुभाते हैं। आपको भी लुभाया होगा, लेकिन आज हम इन लुभावने होटल्स की कुछ कड़वी सच्चाइयों से आपको दो चार कराना चाहते हैं, जिन्हें आप जानकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे और किसी भी होटल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आप जानते हैं होटल में जो चमकदार बर्तन आपको मिलते हैं उन्हें कभी साबुन से साफ ही नहीं किया जाता? जी हाँ, आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि होटल में मिलने वाले कांच के चमकदार गिलास कभी भी साबुन से नहीं बल्कि उनकी चमक को बरकरार रखने के लिए फर्नीचर पॉलिश से साफ किए जाते हैं। तो अगली बार जब आप होटल में कांच के गिलास को देखकर खुश हो रहे हो तो पानी पीने से पहले उन्हें जरा अच्छे से टिश्यू से पोंछकर जरूर देख लेना। होटल में बिछी सफेद चादर और कंबल कभी भी धोए हुए नहीं होते। अगर आपको कभी कंबल बदलना हो तो आप होटल स्टाफ से कहेंगे तो वो आपको किसी दूसरे कमरे का कंबल या रजाई लाकर दे देंगे, वो भी कभी धुला हुआ नहीं होगा। क्या आप जानते हैं होटल में जो सबसे ज्यादा गंदा और अनहाइजेनिक होता है वो होता है वहाँ का जकूजी? जी हाँ दोस्तों, उसे कभी साफ ही किया ही नहीं जाता। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 80% जकूजी में फंगस फैलाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और किसी पूर्ण रूप से शाकाहारी रेस्तरां या होटल में खाना खाने की कोशिश करते हैं तो जान लें पूर्ण शाकाहारी रेस्तरां या होटल भी जरूरी नहीं कि पूर्ण शाकाहारी ही हो सकता है रसोईया स्वयं मांसाहारी हो। अब अपना खाना तो वो उसी रसोई में बनाएगा ना। होटल रेस्तरां कितना भी भव्य क्यों ना हो, रसोई हमेशा छोटी सी और अक्सर गंदी ही होती है। अगर आप तंदूरी रोटी के फैन है तो जान ले तंदूरी रोटी पर तंदूरी मिट्टी कोयला ना लगे, इसलिए तंदूर की अंदरूनी परत पर अंडे का लेप लगाया जाता है। एक और जरूरी बात जो आपको होटल में जाने से पहले जान लेनी चाहिए वो ये कि आपके रूम में जो मिनी बार होती है उसमें कई तरह की ड्रिंक्स जैसे मॉकटेल, हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आदि रखी जाती है जो ज्यादातर फ्री होती है, लेकिन कभी कभी आपको उनके पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले एक बार होटल मैनेजमेंट स्टाफ से कंफर्म जरूर कर लें क्योंकि इनका बिल बड़ा महंगा पड़ सकता है। आपने कई बार न्यूज में भी देखा या पढ़ा होगा कि फला होटल में किसी ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसी स्थिति में होटल प्रशासन बहुत सावधानी से काम लेता है। होटल प्रशासन के मीडिया व पुलिस में पहले से अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग वो ऐसे मौकों पर करते हैं। आपको बता दें भारत में होटल्स में मरने वाला या मरने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में होटल प्रशासन डेड बॉडी को होटल के बैक गेट या सर्विस गेट या सर्विस लिफ्ट की सहायता से बाहर निकालता है और उस रूम को साफ कर देता है, और अगर कोई ग्राहक आ जाए तो उसी रूम को उस ग्राहक को अलॉट कर दिया जाता है। जब भी आप अपने होटल रूम से किसी काम से बाहर जाते हैं तो बाहर जाते वक्त आपको अपनी चाबी रिसेप्शन पर छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि चादर, आपकी बेड की चादर बदलनी है और रूम व बाथरूम की सफाई करानी है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि होटल स्टाफ आपके रूम में रखे आपके लगेज की तलाशी लेता है, इसलिए कोशिश करें होटल रूम की चाबी रिसेप्शन पर ना छोड़ें और होटल रूम की सफाई आपके सामने ही करवाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।